नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल इज अ मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ फायरवॉल दैट गोज बियॉन्ड सिंपल पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होती है वो एक मोर बहुत ज्यादा एडवांस्ड टाइप है फायरवॉल का, जो कि हमारा सिंपल पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग हमने फायरवॉल पढ़ा था पहले, इसे आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो सिंपल पैकेट फिल्टरिंग का हमारा फायरवॉल था उसके पर ही है। ठीक है, उसके ऊपर है, क्योंकि ये क्या है, मोर एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा उन्नत है, एडवांस्ड है। ठीक है, इट एक्ट लाइक अ स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड हु नॉट ओनली चेक्स आईडी बट आल्सो मॉनिटर्स द एंटायर कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज। तो ये क्या करता है, एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, एक चतुर सुरक्षा रक्षक की तरह काम करता है, जो सिर्फ आईडीज को चेक नहीं करता, आइडेंटिटीज को चेक नहीं करता, ऑल्सो मोनिटर्स एंटायर कन्वर्सेशन। दो पार्टीज, दो लोगों के बीच में तो बातचीत हो रही है ना, कन्वर्सेशन हो रही है, उस पूरी बातचीत को भी क्या करता है, मोनिटर करता है, निगरानी में रखता है। क्लियर है बात, उसको भी सुनता है ये। तो ये क्या हो गया, एडवांस्ड हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको चित्र दिख रहा है, फिगर दिख रहा है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का। ये हमारा क्या क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है। इस सर्वर से क्लाइंट को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्ट करेगा इससे, सर्वर से। यहाँ पर बीच में क्या होगा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल लगी होगी। ठीक है, जो क्या करेगी, हमारी जो भी डेटा आएगा सर्वर से हमारा इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट के पास, वो क्या होगा, फिल्टर होके आएगा। ठीक है, उसमें जो भी मलिशियस, जो हानिकारक डेटा होगा वो क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और जो डेटा हमें चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, और जो सुरक्षित डेटा है उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, अनुमति दे देगा आने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हमारा स्टेट इंस्पेक्शन इंजन है, जो ये काम करेगा। ठीक है, जो फिल्टरिंग का काम करेगा। स्टेट टेबल क्या है, स्टेट टेबल का आपको आगे हम स्टेप पढ़ेंगे ना, जब कैसे ये फायरवॉल वर्क करेगी, स्टेट फुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, तब आपको ये स्टेट टेबल का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल वर्क्स। तो जो हमारी स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, किस किस प्रकार से काम करती है। इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, हमारा जांच करना, ठीक है, निरीक्षण करना। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग, पहला स्टेप बात करते हैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ट्रैफिक का क्या मतलब, हमारा फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, एक नेटवर्क में जो डेटा हमारा फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ट्रैफिक की निगरानी करना, सिमिलर टू अदर फायरवॉल्स, अदर फायरवॉल्स के समान ही स्टेट फायरवॉल, स्टेट इंस्पेक्शन फायरवॉल मॉनिटर्स ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क। तो जैसे कि हमारी सारी की सारी फायरवॉल्स होती हैं, जितने प्रकार की फायरवॉल्स है, उन्हीं की तरह जो हमारा स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, वो भी क्या करता है, इनकमिंग जो आ रहे हैं सिग्नल और जो आउटगोइंग जा रहे हैं एक नेटवर्क में, ट्रैफिक जो एक नेटवर्क में हमारा ट्रैफिक है, जो फ्लो ऑफ डेटा है वो आ रहा है और जा रहा है, उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है, निगरानी करता है उसकी। ठीक है, पैकेट इंस्पेक्शन। अब जो जो हमारा डेटा है वो क्या होता है, पैकेट के रूप में है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पैकेट इंस्पेक्शन, पैकेट की जांच करना। पैकेट क्या होता है, जब हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए छोटे छोटे चंक्स में, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं पैकेट। ठीक है, तो ये डेटा ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। पैकेट इंस्पेक्शन, पैकेट इंस्पेक्शन क्या मतलब है, तुम्हारा डेटा है उसका इंस्पेक्शन करना, उसकी जांच करना। अनलाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, इट डजंट जस्ट चेक द बेसिक पैकेट एट्रीब्यूट्स लाइक आईपी एड्रेस और पोर्ट्स। तो अनलाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जो हमारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है उसके विपरीत, जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता था, जस्ट चेक सिर्फ क्या करता था, बेसिक जो पैकेट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, प्रॉपर्टीज है, उनको चेक क्या करता था, चेक करता, निरीक्षण करता, जैसे कि आईपी एड्रेस को चेक कर लिया, पोर्ट को चेक कर लिया। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा इंस्पेक्शन, जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, वो क्या करेगा, इट डेल्व डीपर, वो क्या जाएगा, और ज्यादा गहराई में जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्टिंग द एक्चुअल डेटा कंटेंट, वो क्या करेगा, वास्तविक जो डेटा का कंटेंट है, जो विषय है डेटा का, जो विषय है उसकी जांच करेगा विद इन द पैकेट्स, जो पैकेट्स में जो डेटा का कंटेंट है ना, उसको जांच करेगा। जो अगर अदर फायरवॉल्स की बात करें, हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की बात करें, तो उसमें क्या करता था, ये डेटा कंटेंट को चेक नहीं करता था। ठीक है, सिर्फ पैकेट्स को क्या करता था, चेक करता था। तो ये अब क्या करेगा, जो पैकेट्स के अंदर डेटा कंटेंट है, डेटा का जो विषय है, उसको भी चेक करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मोर एडवांस्ड
फायरवॉल बोला गया है, ठीक है। तो बार बार जो मोर एडवांस्ड का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ क्यों इसको मोर एडवांस्ड बोला जाता है। क्लियर है बात। थर्ड स्टेप को देखते हैं हम, स्टेट ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टेबल वाला था, स्टेट टेबल वाला कंसेप्ट, वो क्लियर हो जाएगा। जो चित्र में मैंने आपको दिखाया था स्टेट टेबल का जो ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। स्टेट ट्रैकिंग, स्टेट की ट्रैकिंग करना, ठीक है। द की फीचर ऑफ अ स्टेटफुल फायरवॉल इज इट्स एबिलिटी टू ट्रैक द स्टेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। तो जो की फीचर, जो मुख्य फीचर है, मुख्य विशेषता है स्टेटफुल फायरवॉल की, वो कैसकी एबिलिटी, इसकी क्षमता कि ये ट्रैक कर सकता है स्टेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है उसकी क्या स्टेट है, क्या स्थिति है, उसको ट्रैक कर सकता है, उसको देख सकता है, उसकी निगरानी कर सकता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। इट क्रिएट्स अ टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस। तो ये क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें क्या रखेगा, ये जो एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, जो स्थापित कनेक्शन है हमारे, उसके ट्रैक रखेगा, उसका जो रिकॉर्ड है उसको रखेगा इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें, ये जो स्टेट टेबल थी, ये इसीलिए है हमारी स्टेट टेबल, इसमें जो एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, जो हमारे स्थापित कनेक्शन है, उसके क्या रखेगा, डेटा को रखेगा ये, ठीक है, उसके ट्रैक को रखेगा, रिकॉर्ड को, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब इसमें जो स्टेट टेबल है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखेगा, ये जैसे सोर्स एड्रेस हो गया, सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, प्रोटोकॉल टाइप हो गया, क्या नियम यूज हो रहा है, टीसीपी यूज हो रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यूडीपी, एंड द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, और जो डायरेक्शन क्या रहेगी, जो दिशा क्या रहेगी हमारी डेटा फ्लो की, इन सब चीजों का रिकॉर्ड जो है वो क्या रखेगा, स्टेट टेबल में रखेगा, ठीक है। रूल मैचिंग, अब फोर्थ स्टेप क्या हमारा, रूल मैचिंग, रूल मैचिंग को पढ़ते हैं। द फायरवॉल कंपेयर्स ईच डेटा पैकेट टू अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो कुछ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं हर एक फायरवॉल में। प्री डिफाइंड का क्या क्या मतलब है, पूर्व निर्धारित सुरक्षा के जो नियम होते हैं उसका एक सेट होता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करेगा, कंपेयर करेगा, तुलना करेगा हर एक डेटा पैकेट की, जो भी डेटा का पैकेट आ रहा है उसकी तुलना करेगा प्री डिफाइंड रूल से, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हमको रूल मैचिंग बोल रहे हैं, जो रूल है नियम है उसकी अगर मैचिंग होती है, उसका मिलान होता है, तभी डेटा को अलाउ करेगा, ये अनुमति देगा। एंड द स्टेट टेबल ऑफ एक्टिव अटैक, तो ये सिर्फ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स को ही नहीं देखेगा, कंपेयर करेगा, स्टेट टेबल है जो हमारी एक्टिव कनेक्शंस की, उसको भी देखेगा, जो हमने स्टेट टेबल बनाई थी, ये जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, जो भी डेस्टिनेशन सोर्स आईडी, इन सब की क्या बनाई थी, टेबल बनाई थी, तो उस स्टेट टेबल को भी क्या करेगा, ये देखेगा, जो भी कनेक्शन हमारे एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है। दिस अलाउज इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इस चीज से क्या होगा, इसको जो कॉन्टेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन का, किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके संदर्भ में क्या मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं डायनेमिक डिसीजंस, ठीक है। तो इसके जो डिसीजंस हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, इसका क्या मतलब है, चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जो इसके निर्णय है बेस्ड ऑन द रूल मैच, रूल मैच के आधार पर, जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनके मैच के आधार पर, उसके मिलान के आधार पर, एंड द कनेक्शन स्टेट, और जो कनेक्शन की स्टेट है, जो कनेक्शन की स्थिति है हमारी स्टेट टेबल में, जो हम देखें ना कनेक्शन की, जो उसकी स्थिति है, उसके आधार पर द फायरवॉल मेक डायनेमिक डिसीजंस अबाउट अलोइंग और ब्लॉकिंग डेटा ट्रैफिक। तो इन दोनों के आधार पर, रूल्स के आधार पर, नियमों के आधार पर, जो कनेक्शन है हमारी स्टेट टेबल में, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, क्या स्थिति है उसकी, उसके आधार पर जो हमारा फायरवॉल है वो क्या करता है, डायनेमिक डिसीजंस बनाता है। डायनेमिक क्या मतलब है, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो डिसीजंस बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम डायनेमिक डिसीजंस, ठीक है। तो इनको बोल देते हैं गतिशील, और गतिशील का क्या मतलब है, जो सिचुएशन के, परिस्थिति के अनुसार बनाए जाए। तो फायरवॉल बनाता है डायनेमिक डिसीजंस अबाउट अलोइंग और ब्लॉकिंग द डेटा, कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा ट्रैफिक है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, उसको ब्लॉक करना है या फिर अलो करना है, उसको रोकना है या फिर उसको अनुमति देनी आने की। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, इट माइट अलो इनकमिंग डेटा पैकेट्स दैट आर पार्ट ऑफ एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो डेटा पैकेट्स हैं हमारे, जो कि एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, जो हमारा स्थापित कनेक्शन है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, उनको क्या करेगा, अलाउ करेगा, उनको अनुमति देगा, ठीक है। जो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है पहले से ही, अगर उनमें हमारा क्या हो रहा है, डेटा पैकेट्स आ रहे हैं उन कनेक्शन में, तो उनको क्या करेगा, अलाउ करेगा, बट ब्लॉक अनसोलिस्टेड इनकमिंग ट्रैफिक। लेकिन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, रोकेगा अनसोलिस्टेड, अनसोलिस्टेड का क्या मतलब है, अनजान, ठीक है, अनजान इनकमिंग ट्रैफिक। अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, कोई फ्लो आ रहा है, जिसको वो नहीं जानता है, उसके रूल्स में, उसके नियमों में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके जो एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन है, जो स्थापित कनेक्शन है, उसके बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसको बोले अनसोलिस्टेड, अनजान, तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा, उसको ब्लॉक करेगा। क्लियर है बात।
तो ये था हमारा इसके बारे में जानकारी, क्लियर? ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल हमारा किस प्रकार से वर्क करता है, क्या होता है। चित्र से हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो क्लाइंट है इसको सर्वर पे हमारा डेटा चाहिए, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो यहाँ पर बीच में एक फायरवॉल लगा होगा जो डेटा को अलाउ करना है क्लाइंट के पास आने के लिए या ब्लॉक करना है, वो सब ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा प्री डिफाइंड रूल से, ठीक है, और स्टेट टेबल से, जो इसने स्टेट टेबल बनाया कनेक्शन, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मोर एडवांस बोला गया है, क्योंकि जो हमारे कंटेंट है, जो हमारा विषय है उसको भी जानता है ये, ठीक है, उसको डीपली जानता है, उसमें गहराई में जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।